हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्टिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश। हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं देयर आर थ्री आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में? थ्री आर्टिकल हैं अ, एन एंड द। दे आर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड कम बिफोर नाउन्स। वो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और नाउन से पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। आर्टिकल टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट जो कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, एंड डेफिनिट जो कि निश्चित है। ओके, नाउ व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल? अ, एन, एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं? अ एंड एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट बिकॉज दे डू नॉट इंडिकेट अ स्पेसिफिक नाउन। उन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट नहीं करते हैं, उनके बारे में हम निश्चित नहीं हैं। ओके, सीधे एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक पेन है और एक पेंसिल है। ही इज अ हैंडसम बॉय। वो एक हैंडसम लड़का है। आई सॉ एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री। मैंने एक आउल देखा पेड़ पर बैठा हुआ। दे केम लेट बाय एन आवर। वो एक घंटे देर से आए। In the above sentences, a and an do not indicate to any specific noun. तो यहाँ पे और an किसी specific noun को indicate नहीं कर रहे हैं, so they are indefinite article. इसलिए वो क्या है? Indefinite article है. Now uses of a and an. तो indefinite article हमें समझ आया, a and an. तो इनका use हम कहाँ पे करते हैं? In general, a is used before singular nouns that begins with a consonant. तो a कहाँ पर यूज होता है? सिंगुलर नाउन से पहले जो कि ओनली वन है। इट मीन्स ओनली वन मीन्स सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन से पहले a का यूज होता है। और a का यूज कहाँ पर होता है? जो नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। a dog, यहाँ पर dog क्या है? सिंगुलर है एंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। That's why यहाँ पे क्या यूज होगा? a rose। Rose क्या है? केवल वन है, सिंगुलर है एंड साउंड भी कॉन्सोनेंट है। That's why a rose। A man, a book। An is used before singular noun। तो an का यूज भी सिंगुलर नाउन से पहले होता है। And that begins with a vowel। और वो वावल से स्टार्ट होते हैं। An Eskimo, an aeroplane, an umbrella, an inkpot। तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है एंड वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एन का यूज हुआ है। आ का यूज जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है साउंड से, एंड एन का यूज जो वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट है। हाउ एवर वाइल यूजिंग अ और एन बिफोर अ नाउन वी शुड बेयर इन माइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन। जब हम अ और एन का यूज करते हैं तो हमें अपने माइंड में ध्यान रखना है उसके प्रोनाउंसिएशन पे, कि वो वावल से स्टार्ट हो रहा है या उससे पहले वावल साउंड आ रही है या कौन सी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट। अगर वावल साउंड है तो एन का यूज, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, एक नाउन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो अ का यूज। ओके, सी एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी। तो ये साउंड कौन सी आ रही है? य, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, डेट्स वाई हमने अ का यूज किया। हमने लेटर नहीं देखना है कि यू वावल से स्टार्ट हुआ है। ये यू क्या है? वावल है। ई भी वावल है। ये यू क्या है? वावल है। अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म। लेकिन अ का यूज हुआ है क्यों? क्योंकि जो ये साउंड आ रही है नाउन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हमने साउंड ध्यान में रखनी है कौन सी साउंड आ रही है। वी हैव यूज अ बिफोर यूनिवर्सिटी, यूरोपियन एंड यूनिफॉर्म इवन दो दे स्टार्ट विद वावल। ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं? लेटर कौन सा आ रहा है? वावल। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अ का यूज किया। क्यों? क्योंकि
दे बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वाई, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड वाई आ रही है यहाँ पे, हमने साउंड को ध्यान रखना है ना कि लेटर को. इन द सेम वे एन इज यूज बिफोर सम कॉन्सोनेंट. तो एन का यूज कहाँ पे होता है, कुछ कॉन्सोनेंट में होता है, क्योंकि साउंड कौन सी आ रही है, वावल आ रही है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनरेबल मैन, ये लेटर है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, वावल, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एन का यूज किया. एन ऑनेस्ट मैन, वावल साउंड आ रही है. एन आवर, आ आवर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, साउंड देखनी है हमने. वैसे ये किससे स्टार्ट हुए हैं, लेटर कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, वावल, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एन. बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सच वर्ड बिगिन विद अ वावल, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन वावल से हो रही है, जबकि उनका लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है. नाउ डेफिनेट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. द का यूज कहाँ पे होता है, द इज डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है. द इज यूज व्हेन वी नो दैट द लिसनर नोज व्हाट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. द का यूज होता है जहाँ पे लिसनर जानता है कि कौन सी पर्टिकुलर थिंग की या पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पे द का यूज होता है. द मैन यू वॉन्टेड टू मीट हैज कम, तो यहाँ पे हमें पता है हम कौन से आदमी की बात कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर आदमी की, इसलिए द का यूज हुआ है. तो आदमी जिसे तुम मिलना चाहते हो आ चुका है. दिस इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, ये वही आदमी है जिसने मुझे कल हेल्प की. तो हम उस आदमी के बारे में क्या है, डेफिनेट है, पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, तो द का यूज हुआ है. द इज यूज बिफोर द नेम सो, और द कहाँ पे यूज होता है, रिवर्स एंड लेक्स के नाम के पहले. एग्जाम्पल द गंगा, द नाइल, द लेक सुपीरियर, द सुकना लेक. तो नदियों के नाम से पहले एंड लेक्स के नाम से पहले द यूज होता है. ओशियन एंड सीज, कोई भी जो समुद्र हैं एंड ओशियन से हैं, महासागर और सागर, तो उनसे पहले भी द का यूज होता है. सीधा एग्जाम्पल द इंडियन ओशियन, द ब्लैक सी, द अरबियन सी, द रेड सी, तो इनसे पहले द का यूज होता है. एंड माउंटेन रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स, तो माउंटेन होते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट हैं, उनसे पहले भी द का यूज होता है. सीधे एग्जाम्पल द नीलगिरीज, द हिमालयाज, द थार, द आल्प्स, तो इनके आगे क्या यूज हुआ है, द. होली बुक्स और न्यूज़पेपर के आगे भी द का यूज होता है, ये आपको याद रखने हैं. होली बुक्स द बाइबल, द कुरान, द रामायणा एंड द हिंदू न्यूज़पेपर, तो बुक्स एंड न्यूज़पेपर में भी द का यूज होता है. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के आगे द का यूज करते हैं, द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द गेटवे ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट हाउस, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो इनमें भी द का यूज होता है. एंड जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द अर्थ, जो अर्थ में जियोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द कैप्रिकॉन, तो इनके आगे भी द यूज होता है. एंड द का यूज कहाँ पे होता है, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में, जहाँ पे कंपेरिजन होता है सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है. द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के साथ द का यूज. द ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, द का यूज हुआ है. द डीपेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होगा, ये आपको याद रखना है माइंड में. एंड द का अनदर यूज ऑफ द ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द यूज होता है, द फर्स्ट, द 45th, द लास्ट, द थाउजेंथ. एंड जो डेफिनेट थिंग्स होती हैं, निश्चित थिंग्स हैं, उनके आगे द यूज होता है, द सन, द वर्ड, द विंड, द अर्थ. आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. आई होप आपको आर्टिकल्स का यूज समझ आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.